गोरखपुर के नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में गोंडवाना पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बुधवार को अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। हाथों में तीर कमान और शरीर पर आदिवासियों जैसे कपड़े पहनकर गोंडवाना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को नगर निगम में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। गोंडवाना पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश सरकार ने उनको ST कैटेगरी में रखा है, लेकिन गोरखपुर में इनका प्रमाण पत्र ST की जगह OBC जाति का बनाया जा रहा है, जबकि आसपास के जिलों में इनको आज भी ST कैटेगरी का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। प्रशासनिक लापरवाही की वजह से इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन्होंने इसके लिए जिले के अधिकारियों को कई बार अपना ज्ञापन भी दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में अब इनके सामने विरोध करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए गोंडवाना पार्टी के अध्यक्ष गणेश कोंड ने कहा, भारतीय गोंडवाना पार्टी मेरा नाम डॉक्टर गणेश गोंड, भारतीय गोंडवाना पार्टी प्रदेश अध्यक्ष। मैं गोंड जात का जाति प्रमाण पत्र के लिए हम मांग कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। गोरखपुर में गोंड का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। गोरखपुर मंडल से देवरिया में जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, कुशीनगर में बन रहा है, देवरिया में बन रहा है, महाराजगंज में बन रहा है, लेकिन गोरखपुर में नहीं बन रहा है। गोरखपुर के तहसील बासगांव में 2008 में 500 से ऊपर जाति प्रमाण पत्र बना है। सहजनवा में कुछ जाति प्रमाण पत्र बना है, चौरी चौरा में बना है, लेकिन गोरखपुर में नहीं बन रहा है। और हम चाह रहे हैं कि गोरखपुर में जाति प्रमाण पत्र बने, इसके लिए हम लोग अर्धनग्न प्रदर्शन किए हैं। पिछले महीने 25 जून को मैंने कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया था बनने के लिए। कमिश्नर साहब ने हमें एक महीने का आश्वासन दिया था कि बन जाएगा, अभी भी नहीं बना। अगर इस बार भी हम फिर समय देंगे, अगर नहीं बना तो हम लोग आज अर्धनग्न कर रहे हैं, अगले महीने हम लोग प्रदर्शन करेंगे। यही हमारी मांग है, गोंड जात का जात प्रमाण पत्र बने।